मैं कैंपिंग ट्रेवल इंडिया स्वागत करता हूं आप सबका थाईलैंड सीरीज के 9th एपिसोड में। मैं आपको लेकर चलूंगा गोल्डन माउंट टेंपल, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बैंकॉक का सबसे खूबसूरत मंदिर है। गोल्डन माउंट टेंपल पहुंचने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक्सप्रेस बोट सर्विस टैक्सी। मैंने ली प्रातु नाम से बोट टैक्सी इस टेंपल तक जाने के लिए। Payment, boat ride, bill, payment. Free to make the payment. Ticket. What? No, only free. But two nam, khan pa free. Free. Yeah. Oh, thank you. The King Thai. 2 days. How many days? Yeah. Today. Today. Today only. 1 day. Free for 1 day. 3 days. ओके सो 4, 5, 6 वही किंग की जो कार्नेशन सेरेमनी है उस सिलसिले में इनका कहना है कि 3 दिन फ्री है। जिस जगह पे मैं उतरा वो तालाब बोबे प्योर के नाम से है जो यहाँ पर लिखा है, तो फ्री राइड लेकर के आया मैं। 20 baht मुझे बोल रहे थे, बस में पैसा नहीं लगा, बोट राइड पे पैसा नहीं लगा, खाने पे लगा काफ़ी है। मैंने कहा एक और जुगाड़ हो गया। अभी जो बोट आएगी, इस वक्त मैं हूँ यहाँ बोबे मार्केट, चढ़ा था मैं फाफा ब्रिज से जहाँ मैं पहले था, बोबे मार्केट पहुँचा हूँ और यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन 1, 2, 3 यानी कि यहाँ, तो ये मुझे उतारेगा प्राटूनोम में। प्राटूनोम से फिर मैं वॉक करके जा सकता हूँ इस जगह पर। प्रतुनाम, ओके थैंक यू प्रतुनाम, ये जो जगह है जहाँ मुझे जाना है और यहाँ पर भी बोट फ्री जा रही है तो बढ़िया ऑप्शन है। मैं एक और बोट लेने वाला हूँ फ्री का फ़ायदा उठाने का, तो हम इंडियंस की पुरानी आदत है। सो गोबे मार्केट से बोट लेके चारों नेपाल ब्रिज, चारों नेपाल ब्रिज से हुआ चांग ब्रिज और फिर ये थर्ड ऑप्शन, थर्ड डेस्टिनेशन। चलिए दोस्तों निकलते हैं फिर से। ये पहला स्टॉप है जो ब्रिज के नाम से था। जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ ये ओल्ड बैंकॉक सिटी है, एमबीके मॉल के पास जो पदुनाम करके एक स्टॉप है वहाँ से मैंने वापस राइड ली और 100 baht एक तरफ का चार्ज है इसका, पर आजकल क्योंकि फ्री है तो मैंने अच्छे से फ़ायदा उठाया और मैं यहाँ उतरा हूँ जहाँ पर एम्बोल बुद्धा टेम्पल है। मुझे टेम्पल की घंटियों की आवाज़ आ रही है और
बोट से ही नज़र भी आ रहा था, शायद इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे है। अब मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ओह माय गॉडनेस, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको देख के हैरानी हो जाएगी कि इतनी ऊंचाई पर है और इसका जो बेस है ना अभी भी पुराना है, जैसे पुराने टाइम की ईंटों के बने हुए अभी भी स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर ये पेड़ लगे हैं, मतलब जैसे पुराने के ऊपर ही नई बिल्डिंग ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दी गई हो। वो टॉप पे द टेंपल ऑफ एमोल बुद्धा, और ये देखिए बुद्धा का स्टैचू। ये पुराना जो स्ट्रक्चर था ना उसी को रीबिल्ड कर दिया ऊपर, नीचे वो स्ट्रक्चर तोड़ा नहीं गया है, मेंटेन जरूर है। क्योंकि आज तस्वीर यहाँ आपको हर जगह मिलेगी तो इस जगह पर भी है और बहुत खूबसूरती से लगाई गई है। मेमयांग गुहा ये लिखा है और ये है ऊपर द एमोल्ड बुद्धा बिल्डिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल, लॉट्स ऑफ फ्लैग्स। खूबसूरत स्ट्रक्चर है। गोल्डन माउंट टेम्पल की सैर कराने के बाद अब वक्त हो चला है महाकाल फोर्ट, रॉयल पवेलियन, लोहा प्रसाद और डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट देखने का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए कितना डेकोरेट किया गया है इस फंक्शन के लिए, जिसकी वजह से मुझे फ्री में बोट राइड करने का मौका मिला, फ्री ब्रेकफास्ट मिला और ढेर सारी ड्रिंक्स। सारे लोग अभी सड़कों पर हैं, ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं सेरेमनी अपने किंग की। मेरे सामने एक बहुत अच्छी लोकेशन है, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मैं पेडिस्ट्रियन देखता हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ और रेड वाली बसें अभी तक चल रही हैं। गूगल दिखा रहा था कि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देख रहा था इसको।
खूबसूरत सी जगह है ये। गोल्डन कलर के ऐसे स्तूपा गोल्डन कलर में और उसके ऊपर एक लगा हुआ लाइट का बल्ब। तो ये देखिए क्या खूबसूरत है स्ट्रक्चर। एंट्री जहाँ लिखना होता है वो एंटर लिख देते हैं, तो नो एंट्री को नो एंटर। और एक जगह मैं पढ़ रहा था डू नोट एंटर को डू नोट एंट्री। तो ये कुछ खास तरह की इंग्लिश है। मेरे पीछे देखिए ये इतनी बड़ी स्कूल जो है, यहाँ पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। नाइट साइकिल टूर है, इस तरह के टूर आप ले सकते हैं। ग्रुप में कम से कम 3 लोगों का होना जरूरी है। और नज़ारे देखिए आसमान के, पेड़ों के। डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट देखने के बाद अब मैंने ली है बस जाने के लिए पैटपोंग नाइट बाजार। मैंने पिक किया टोटल 15 बाट। तो चलिए बस जर्नी का मजा लेते हैं। दोस्तों 15 बाट में टिकट मिली है। स्टेशन कहाँ उतरना अभी तक नहीं पता। मैं उसको पूछ रहा था कौन सा, बोलते हैं खास। अब स्टेशन का नाम खास है, लिखने में तो बहुत बड़ा था, बोलने में छोटा, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, प्लान है अभी पैटपोंग जाने का। और पैटपोंग में एक्सपीरियंस है बैंकॉक का। अब मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस वगैरह तो बनता है, कल तो वैसे ही मैं चला जाऊँगा। जहाँ पहले रेड वाली थी, फ्री थी, एसी है, तो ये पेड है। बाट मैंने टिकट के दिए हैं और ये पहली बार है जब मैं बस में बैठा हूँ, पे कर रहा हूँ। बस स्टॉप पे उतारा है बस ने मुझे, उसका भी नाम ही नहीं, मुझे तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा बस स्टॉप बोला और मुझे किस बस स्टॉप पर उतारा गया। जगह सही होगी कितना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। जाने की तैयारी, मोस्ट अवेटेड प्लेट है ना, जाके देखते क्या होता। अगला एपिसोड है पैटपोंग की नाइट बाजार के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। पैटपोंग नाइट बाजार फिनिश। हूँ इस जगह पर, बहुत सारी फुटेज है मेरे पास आपको दिखाने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है तो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। जब भी आप आए तो सेक्स एक्टिविटीज़ के लिए विजिट करना मत भूलिएगा। पैटपोंग नाइट लाइफ, पैटपोंग कैफे। आई रेड अ लॉट अबाउट इट। Had some good shows inside with decent. Hey!